सरकार उस हत्यारे के साथ खड़ी हुई और किसानों के खिलाफ खड़ी हुई। इनका संस्कार, इनका चरित्र ये बन चुका है कि जो भी अत्याचार करेगा, जो भी अन्याय करेगा, ये सरकार उसको सम्मानित करने का काम करेगी, ये सरकार उसको रिवॉर्ड अवार्ड देने का काम करेगी। और आज पूरा देश धीरे धीरे इनके साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि बात ये सिर्फ 3 बेटियों की नहीं है, बात ये देश के लाखों करोड़ों बेटियों की है। आपके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर, 4-4 स्टेटों में गवर्नर रहे, उपराज्यपाल रहे, कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता रहे, और तब से वो राजनीति में है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति का राह भी नहीं जानते थे। मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे का आप वो तस्वीर देखिए जहाँ पे महिला रेसलर यहाँ पे लगातार 3 दिन से धरने पर हैं, और सारे जो विपक्षी हैं वो लगातार सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और किसान भी सपोर्ट कर रहे हैं, जवान, सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले ये लोग 3 महीने पहले भी धरने पे आए थे और इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। लेकिन आज इनके जो ये जब FIR कराने जाते हैं ब्रिजभूषण सरन पे, तो इनका FIR भी नहीं दर्ज किया जाता है। तो हम इनसे बात करेंगे, हमारे साथ हैं गोपाल तिवारी, हम इनसे बात करेंगे कि जब ये लोग कुछ मेडल जीत के लाती हैं तो प्रधानमंत्री जो है इनके साथ फोटो लगा के अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, और आज जब ये यहाँ पर हैं, और इनमें से तो एक को किसी को बेटी भी इन्होंने कहा था, फोगाट जी को इन्होंने बेटी भी कहा था, और आज वो आ नहीं रहे हैं, जंतर मंतर से ज़्यादा दूरी पे संसद भवन है नहीं, तो क्या क्या लगता है कि क्या भविष्य है इन लोगों को, कब तक लड़ाई करनी पड़ेगी? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए, और शर्म की बात है वर्तमान सरकार के लिए, कि इस देश की वो बेटियाँ जो सामान्य घर परिवारों से निकली, खूब मेहनत की, इस देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व स्तर पर किया, इस पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, इस देश के तिरंगे को ये मौका दिया कि पूरे विश्व स्तर पर बड़ी शान से वो लहरा सके, इस देश का मान बढ़ा सके, ये बेटियां इस देश का गौरव बनी, इस देश का मान बनी। और आज वही बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया पूरी दुनिया में, आज वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए इन सड़कों पर बैठी हैं, जंतर मंतर पर बीते 3 दिनों से आंसू बहा रही हैं, मच्छर काट रहे हैं उनको, रातों में यहाँ सोने को मजबूर हैं वो। ये कितनी तकलीफ की बात है, ये कितने दुख और दर्द की बात है, और शर्म की बात है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, शर्म की बात है इस देश के गृह मंत्री के लिए, शर्म की बात है स्मृति ईरानी के लिए। अब तक तो तुम्हें इस रोड पर आ जाना चाहिए था, घुटनों के बल बैठ कर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इनके आंसू पोंछने चाहिए थे, और इनसे कहना चाहिए था कि ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें इतना वक्त लग गया आपके पास तक आने में, और ये पूछना चाहिए था बताओ क्या तकलीफ है आपको। और जब इनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, उन शब्दों को सुनकर के जो भी आरोपी होता उस पर FIR होती, और अब तक वो जेल में होना चाहिए था, लेकिन जेल में तो छोड़ो, FIR तक दर्ज नहीं हुई। इस देश की वो बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन एक सवाल और उठता है, दो सवाल उठते हैं कि जब BJP के इतने सारे नेता हैं, और स्मृति ईरानी की आपने बात कही तो वो महिला और चाइल्ड की मिनिस्टर हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा सवाल कुछ लोग ये कर रहे हैं कि ये लोग इतने दिनों से चुप क्यों थे, इन लोगों के पास कुछ प्रूफ है, इन लोगों के पास क्या है? पुलिस जब ये जब FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो पुलिस इन्हीं से जो है प्रूफ मांगती है। देखिए, ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल। आज के 2.5-3 महीने पहले भी ये सब लोग गए थे सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास, इन्होंने गुहार लगाई थी और इनको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो भी गलत होगा उसको हम जेल में डालेंगे। लेकिन 2-2.5 महीने हो गए, धीरे धीरे इनको ये पता चला कि हमारे सवालों को नदारद कर दिया गया, हमारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया, और जो भी आरोपी है उसको बचाने का काम ये सरकार कर रही है। तब ये रोते हुए अपने आंसुओं की सौगंध लेकर के इन सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं, और आज पूरा देश धीरे धीरे इनके साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि बात ये सिर्फ 3 बेटियों की नहीं है, बात ये देश के लाखों करोड़ों बेटियों की है, जो इनको देख देख करके इन्हीं की तरह आगे जाना चाहती हैं, इसी तरह से देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहती हैं। और आज देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली इन बेटियों के साथ, अत्याचार करने वालों के साथ में सरकार खड़ी है, इनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। सिर्फ एक ही मामला नहीं है ब्रिजभूषण सरन पे, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं, उन्होंने खुद ही कभी बोला था कि मेरे पे एक मर्डर का मामला भी है। इतने सारे कई मामलों के बावजूद भी वो BJP जो सबसे खुद को लोकप्रिय पार्टी कहती है, और उसमें वो अभी भी कार्यरत है, ऐसा क्यों? देखिए, वो बाहुबली हैं, भाजपा के सांसद हैं, कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन पर FIR दर्ज नहीं होगी, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगी।
या तो सरकार डरती है कि हम अगर इस सांसद के खिलाफ गए, बाहुबली सांसद के खिलाफ, तो ये हमारे खिलाफ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाएगी हमारी, या तो ये डर है, या तो इनका चरित्र और इनका संस्कार ही ये बन चुका है कि जो भी इस देश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करेगा ये सरकार उसको संरक्षण देगी, ये सरकार उसको सम्मानित करेगी। या तो आपने, 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 मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने जो भी बोला, जो भी में कौन कौन आते हैं? तमाम लोग हैं। आप देखिए, कुलदीप सेंगर बेटी के साथ जब उन्होंने दुर्व्यवहार किया तो पूरी सरकार कुलदीप सेंगर के साथ सख्ती के साथ खड़ी हुई। एक बेटी को रात को 12 बजे जला दिया गया, उस परिवार के खिलाफ ये सरकार खड़ी हुई, अत्याचारियों के साथ में ये सरकार खड़ी हुई। इसी देश के, इसी सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल करके मार दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया। सरकार उस हत्यारे के साथ खड़ी हुई और किसानों के खिलाफ खड़ी हुई। इनका संस्कार, इनका चरित्र ये बन चुका है कि जो भी अत्याचार करेगा, जो भी अन्याय करेगा, ये सरकार उसको सम्मानित करने का काम करेगी, ये सरकार उसको रिवार्ड अवार्ड देने का काम करेगी, और जिनके खिलाफ अत्याचार होगा उन पर FIR होगी, वो जेल जाएंगे, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। क्या आप, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि BJP वॉशिंग मशीन है, जो भी काला काम करता है और BJP में शामिल हो जाता है वो उजला हो जाता है, क्या इससे आप? उन्होंने नहीं कहा, पूरे देश की जनता ये कह रही है कि BJP पूरी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जितने भी अत्याचारी, जितने भी दुराचारी, जितने भी पापाचारी, जितने भी अनाचारी, जब उसके अंदर घुसते हैं और उधर से बिल्कुल साफ पाक साफ होकर निकलते हैं। मतलब जो BJP की हाँ में हाँ मिलाए वो ठीक, और जो BJP पे आरोप लगाए, जो BJP के खिलाफ खड़े हो, इनकी मनसा के खिलाफ खड़े हो, वो गलत हो गया। ये कैसे हो सकता है? आपने अभी उत्तर प्रदेश में देखा किस तरीके से अतीक अहमद का मर्डर हो जाता है भरे महफिल में, जहाँ पे पुलिस भी है, मीडिया के लोग भी हैं, और वहाँ पे मार गिराया जाता है। वहीं पे जो योगी सरकार है वो कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, उस दिन से राम राज आ गया है और UP मॉडल ही पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेकों अनेक, मैं देते हैं, गृह राज्य मंत्री जो हैं आपके हैं, करा दीजिए उनका मर्डर। उनका बेटा जो है जिसने किसानों को कुचल दिया, करा दीजिए उसका मर्डर। कुलदीप सिंह सेंगर का करा दीजिए आप मर्डर। तमाम ऐसे लोग हैं, एक दो नाम थोड़ी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती मेरी बहन, ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन ये सरकार का चरित्र ही बन चुका है कि जो गलत करेगा, जो अत्याचार करेगा, हम उसको सम्मान देंगे। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से BJP के जो कार्यकर्ता है, BJP पार्टी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, और एक तरफ बेटियां सड़क पर हैं, और वो भी वो बेटियां जो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर रही हैं पूरे विश्व में, तो क्या भविष्य है बेटियों का? देखिए, ये तो एक ऐसी लकीर खींचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसी लकीर खींचने का काम कर रही है सरकार, जहां बेटियां डरेंगी ऐसे स्वप्न देखने से। आप देखिए, आज देश की लाखों करोड़ों बेटियां क्या सोच रही होंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को जब न्याय नहीं मिल रहा है, जब उन्हें झूठा साबित किया जा रहा है, हम जैसी सामान्य बेटियां कैसे स्वप्न देखें, कैसे आगे बढ़कर के भारत का प्रतिनिधित्व करने का वो है संकल्प लें? ये कौन सी सोच, ये कौन सा विचार इस देश पर थोपना चाहती है सरकार? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये तो बहुत डर की बात है। सत्यपाल मलिक ने अभी पुलवामा हमले पे कहा है, और लगातार जो है विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र खतरे में है का नारा लगा रही है, इससे आप क्या, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, इस पे तो जांच होनी चाहिए। सत्यपाल मलिक जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो कोई आम सवाल नहीं है। इस देश के जवान, उनके चीथड़े उड़ गए, लोगों ने पहचान नहीं पाया कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका पति था, कौन किसका पापा था, और ये जो आरोप खड़े कर रहे हैं तो उन्हीं को धमकाया जा रहा है, उनके उन पर जांच बैठाई जा रही है, उन्हें जेल में बैठाया जा रहा है, CBI भेजी जा रही है, ED भेजी जा रही है। अरे, ये कोई, देखिए, आरोप जब सत्यपाल मलिक ने लगाया तो आरोप, सत्यपाल मलिक कौन है? वो कोई किसी विपक्षी पार्टी के नेता तो है नहीं, आपके खिलाफ उन्होंने जीवन में षड्यंत्र किया हो ऐसा तो है नहीं। आपके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर, 4 स्टेटों में गवर्नर रहे, उपराज्यपाल रहे, कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता रहे, और तब से वो राजनीति में है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति का राह भी नहीं जानते थे। उनकी बात को तो पूरे देश ने गंभीरता से लिया, तुमको भी गंभीरता से लेना चाहिए, जाँच करवानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इतने दिन से कहाँ थे, अचानक से उनके अंदर का अंतरात्मा जाग गया, देशभक्त। नहीं नहीं, ये गलत है, ये शुरू से बोल रहे हैं वो। उन्होंने तो उस दिन बोला था जिस दिन ये हुआ था, लेकिन उनको फोन किया गया था कि तुम चुप रहो, और किस कदर उन्हें चुप कराया गया। सत्यपाल मलिक जी ने इसकी मंशा कई बार जाहिर की है, सब कुछ पूरी तरीके से स्पष्ट है, साफ है। अब यह सरकार देखना ही नहीं चाहे, पट्टी बांध ले आंखों पर, वो बात अलग है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं।
रावण की तरह है, जब कोई पराकाष्ठा को पार कर जाता है तो कोई ना कोई तो राम पैदा होता है ऐसे रावण का अत्याचार बंद करने के लिए। आज पूरी देश की जनता राम बनकर के खड़ी है और ऐसे तमाम रावणों का वध करने का काम बहुत जल्द करेगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मतलब जो उठता है, बहुत बड़ा सवाल है खुद में, कि जब इतनी मतलब इतनी बड़ी महिला है जो विश्व स्तर पे अपना नाम रोशन कर रही है, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो जो आम महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, छोटी मोटी नौकरियां करती हैं, उनके साथ क्या क्या होता होगा, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।